Indian police beat a hasty retreat under a hail of rocks and petrol bombs. The violence erupted after Friday prayers, plunging the regional capital Srinagar into chaos. It was the worst attack on the army since the Kargil War. 18 army personnel killed in Manipur. There were only 5 survivors of that massacre. 82 people went out. 76 of them died. Now, Assam is on red alert after suspected Bodo militants have gunned down 52 people, mainly women and children, in a series of attacks that took place in Kokrajhar and Sonitpur districts. A proxy war in Kashmir, separatist movement in northeast, Naxal Maoist insurgency in the Red Corridor. Militancy ke ye teen sabse dangerous and powerful variants hain, jinse India kai saalon se lad raha hai, and it has made India bleed. According to official data, Kashmir mein 1998 se aaj tak 48,467 people have been killed. Northeast mein 1992 se ab tak 13,697 people, and left-wing extremism has killed more than 11,241 people since 2000. And this does not include thousands of other deaths jo hamare officials record hi nahi kar paaye. जैसे कि द किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स और द मर्डर्स ऑफ ट्राइबल्स जिन्हें जंगलों में पहाड़ों में मारकर फेंक दिया जाता है और सिर्फ डेथ्स ही नहीं ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस खुद को फंड करने के लिए सपोर्ट लेते हैं ड्रग्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सटॉर्शन जैसे क्रिमिनल एक्ट्स का और इन्हें इंडिया में प्रमोट भी करते हैं विच एड्स टू द थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी तो ये जानना जरूरी बनता है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने आज तक क्या किया है इस थ्रेट को हटाने के लिए क्यों आजादी के 77 साल बाद तक भी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज भी जिंदा है और क्या कोई गवर्नमेंट इन मिलिटेंट्स की कमर तोड़ पाएगी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग चैनल कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग टेररिज्म इन तीनों का इंडिया में बर्थ अलग और कॉम्प्लेक्स रीजंस की वजह से हुआ पर तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी रही हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड उनकी अप्रोच कश्मीर में इंडिपेंडेंस के दौरान इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निग्लेक्ट करना अलाउिंग मास इमिग्रेशन विच चेंज द रीजन्स डेमोग्राफी 1967 की पुलिस फायरिंग ऑन फार्मर्स इन अ टाइनी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल नक्सलबारी जिससे नक्सलिज्म पैदा हुआ इन सब में एक चीज कॉमन है हमारी गवर्नमेंट का रोल अगर हम लेफ्ट विंग वायलेंस को देखें दिस मूवमेंट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड लीथल इंसर्जेंसीज इन द वर्ल्ड जिसने अपने पीक पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को भी सरपास कर दिया था दरभा घाटी में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है हमला हुआ है जीरम घाटी के पास तोंगपाल में जिसमें 15 जवान शहीद हुए हैं एक गांव वाले के भी मारे जाने की खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा से आ रही है यहां 11 जवान शहीद हो गए हैं जवानों के हथियार नक्सली लूट कर ले गए इसका पीक था 2005 से 2014 यूपीए सरकार के दौरान व्हेन इट हैड स्प्रेड टू मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया और इसकी शुरुआत एक छोटे से गाँव से हुई नक्सलिज्म काफी वायलेंट मूवमेंट रही है बट इसकी रूट हमेशा से सोशियो इकोनॉमिक रही ये इंडिया के सबसे बैकवर्ड और रूरल एरियाज में स्प्रेड हुआ जहां ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना रोड्स और सैनिटेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है इसके साथ यहां के गरीब फार्मर्स और ट्राइबल्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं एट द हैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स एंड अपर कास्ट फोक्स और जब बात आती है गवर्नमेंट अप्रोच की तो स्टेट एंड सेंटर दोनों गवर्नमेंट्स में ही ना तो कंसिस्टेंसी और ना ही कंसेंसस था ऑन हाउ टू डील विद दिस चैलेंज ईडीपी लीडर एनटीआर रामाराव हैड वंस कॉल्ड नक्सल्स ट्रू पैट्रियट्स एंड फॉर सम इयर्स द टीडीपी गवर्नमेंट वाज सॉफ्ट टुवर्ड्स दीज रिबेल्स कांग्रेस लीडर चिन्ना रेड्डी भी इन रिबेल्स के लिए बहुत लिबरल थे एंड लेट देम स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी But Reddy's successor, also a Congress leader, N. Janardhan Reddy, ordered a crackdown on them. Similarly, in 2005, the Congress government in Andhra Pradesh was holding peace talks with Maoist groups. But Congress at the center was saying there will be no peace dialogue. Aur inhi discrepancies ka fayda uthaya in violent Naxal groups ne. Aur Kashmir ko dekhe, to wahan bhi government ke back-to-back blunders rahe hain. कश्मीर के साथ इतने बड़े बिट्रेयल्स किए जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज तक देख रहे हैं इंदिरा गांधी ने 1984 में फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस किया
1987 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने हाथ मिलाकर 1987 के असेंबली इलेक्शंस को रिच किया और उसके बाद मिलिटेंसी का ऐसा राइज हुआ कि वॉलेंस के अलावा कश्मीर ने कुछ देखा ही नहीं। 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस करवाए। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बार बार नेगोशिएट करने की कोशिश करी पर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। Friday morning, 2 days after a series of militant attacks stunned India's financial center, at least 143 people are dead, hundreds are injured, and the city in panic. It's been a day of horror in Kashmir. A car laden with more than 100 kilograms of explosives rammed into the CRPF bus, killing 40 personnel in an instant. जब मिलिटेंसी की बात होती है तो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया में ज्यादा कवर ही नहीं किया गया, बट जो बहुत वायलेंट रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन्स में आता है। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ऑल हैड देयर सेपरेट रीजंस फॉर टेकिंग अप आर्म्स एंड सेपरेट डिमांड्स डिपेंडिंग ऑन द एरियाज एंड द सिचुएशंस। कुछ ग्रुप्स लाइक द नागास सेपरेट नेशन के लिए, कुछ ग्रुप्स लाइक द बोडो ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए और कोई एंटी इमिग्रेशन की डिमांड लेकर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ की डिफरेंट ट्राइब्स की आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती आ रही हैं। जैसे कि द बोडोज एंड कार्बी ट्राइब्स हैव फॉट अगेंस्ट द डोमिनेंट असमीज कंट्रोल फॉर इयर्स। नॉर्थ ईस्ट रीजन की कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं एंड द गवर्नमेंट बैक देन मोस्टली स्लेप्ट व्हाइल द इंसर्जेंसीज ब्रूड एंड इंटरवेंड ओनली आफ्टर फेसिंग फुल ब्लोन अटैक्स। फॉर एग्जाम्पल 1960s में असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स विच मेक टूडेज मिजोरम वर हिट बाय अ फैमाइन और वो फैमाइन अपने साथ रैट इन्फेस्टेशन लाया विच डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड कॉज्ड लार्ज स्केल स्टार्वेशन। लोगों का गुस्सा स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट्स पर था फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड रिलीफ। ऐसे ही मिजो नेशनल फ्रंट बना जिसने मिजो हिल्स के 11 टाउन्स कैप्चर करे और 20 साल तक इंडियन फोर्सेज से लड़ाई चली पाकिस्तान और चाइना की मदद से। त्रिपुरा में भी गवर्नमेंट का फेलियर रहा, वो ईस्ट पाकिस्तान से हो रहे माइग्रेशन को रोक नहीं पाई जिसकी वजह से लोकल डेमोग्राफी में चेंजेस आए और लोगों में गुस्सा भी विच रिजल्टेड इन अनदर ब्रूटल एंड वायलेंस इंसर्जेंसी। पास्ट इंडियन गवर्नमेंट्स के रिस्पॉन्स पैटर्न्स ने इन इंसर्जेंसीज को कम नहीं किया बल्कि ये सिर्फ इंक्रीज हुए। बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग विद द मोदी गवर्नमेंट कमिंग टू पावर। 6/11 happened in India, expected action against terrorists, but nothing happened. But when Uri happened, you saw what our brave soldiers did. This is a new India. India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. It will try to revoke a part of the constitution which gives India's only Muslim majority state the right to run its own affairs. आर्टिकल 370 के रिमूवल से द होल नेशन वॉज इन शॉक। नोबडी हैड एवर थॉट कि कोई गवर्नमेंट इसको एक्चुअली में कर पाएगी, बट द मोदी गवर्नमेंट डिड इट और इसका बहुत स्ट्रांगली अपोज भी किया गया था और ये भी बोला गया था कि इट इज गोइंग टू गिव राइज टू मोर मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। बट द डाटा सेज अनदर स्टोरी। टेरर इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव फॉलन बाय अ व्हूपिंग 81%। 2018 में जहां 228 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, 2023 में सिर्फ 43 हुए हैं। इनकाउंटर्स हैव फॉलन बाय 74%। 2018 में जहां 189 इनकाउंटर्स रिपोर्ट हुए थे, 2023 में 48 हुए हैं। सिविलियन किलिंग्स हैव आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 55 इन 2018 टू 13 इन 2023। गवर्नमेंट ने मेजर क्रैकडाउन भी किया है ऑन टेरर ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर बाय अरेस्टिंग मोर देन 2300 पीपल फ्रॉम 2019 टिल नाउ। कंपेयर टू 427 अरेस्ट इन द ईयर 2015 टू 2019, मेकिंग अ 5-time इंक्रीज इन द अरेस्ट। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में, विच सॉ अ 91% डिक्लाइन फ्रॉम ओवर 5,000 इंसिडेंट्स इन द प्री 370 पीरियड टू 434 इंसिडेंट्स इन द पोस्ट 370 पीरियड। फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर मोर फॉरेन मिलिटेंट्स वर किल्ड देन द लोकल मिलिटेंट्स। 2023 में आउट ऑफ 72 टेररिस्ट किल्ड 50 फॉरेन ओरिजिन के थे, विच शोज हाउ मिलिटेंसी इज स्लोली नॉट अपीलिंग टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिजबुल मुजाहिदीन
2016 में जम्मू कश्मीर का सबसे खतरनाक टेरर आउटफिट माना जाता था और लोकल यूथ को रिक्रूट करने में सबसे आगे था। आज खत्म होने के कगार पर हिजबुल हैज लॉस्ट मोर देन 200 कैडर्स बिटवीन 2016 एंड नाउ सबसे बड़ा सक्सेस 2022 में आया जब हिजबुल का चीफ मोहम्मद अशरफ खान अलियास मौलवी को एनकाउंटर में मार दिया गया। पिछले दो सालों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर ए तौयबा के 200 से ज्यादा टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है। इट इज द सेम ग्रुप विच कैरिड आउट द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। ऐसे ही अगर लेफ्ट विंग टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को देखें तो वहां भी मोदी गवर्नमेंट काफी मेजर चेंजेस ला रही है। होम मिनिस्ट्री के हिसाब से लेफ्ट विंग टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज में 65% डिक्लाइन हुआ है इन द लास्ट 10 ईयर्स। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप 2004 से 2014 तक का डेटा देखते हैं तो 11,121 वायलेंस के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, बट 2014 से 2023 के बीच वी हैड ओनली 3,033 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, अ ड्रॉप ऑफ 73%। मोर देन 8,000 इंसर्जेंट्स हैव सरेंडर्ड सिंस 2014। इस रीजन में गवर्नमेंट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज कर रही है विच इन्वॉल्व्स ऑफर्स ऑफ नेगोशिएशन टू ऑल आर्म्ड ग्रुप्स अलॉन्ग विद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। एंड द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग सम हिस्टोरिक पीस ट्रीटीज। अ हिस्टोरिक ट्राइपार्टाइट डील After over 4 decades of armed conflict in Assam, finally a peace accord between the government and the Protok faction of Ulfa. And it was a landmark day in the northeast yesterday. One of the most dreaded rebel groups, the National Democratic Front of Bodoland, finally surrendered following that controversial 27 January New Bodoland peace accord signed with the centre. This is historic and it's happening after 60 long years. The Naga peace accord that's been signed in the national capital, and this is an agreement with the NSCN IM. But these peace treaties are also tricky to work out. Naga peace treaty, which was signed on 2015, abhi tak atki hui hai because of the demands of the Naga group for a separate flag and separate constitution. 2020 mein Bodo peace accord ke 2 mediators had alleged that the center and the state were failing to implement the peace accord. पर ये नेगोशिएशंस बहुत जरूरी होती हैं टू ब्रेक दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज नॉर्थ ईस्ट में 40 एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिनमें से मोस्ट ग्रुप्स आर इन टॉक्स विद द सेंटर। पर आज हम एक पीसफुल नॉर्थ ईस्ट इमेजिन कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं सोच सकते थे, ऑल बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड आवर गवर्नमेंट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इंडिया को अब समझ आ गया है कि किसे बात करके समझाना है और किसे लात मार के।